मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले आतंकवादी जैश उर्फ कांथा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सेंट्रल जेल में भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जहां अलग अलग रूप से नौटंकी कर पुलिस कर्मियों को परेशान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी देकर 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले आतंकी जैश कांथा उर्फ पुजारी उर्फ शाकिर नागपुर से बेलगावी जेल जाने के लिए तरह तरह की नौटंकी कर रहा है। पिछले दिनों उसने जेल और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए थे, अब उसने सेंट्रल जेल के भीतर लोहे की तार के टुकड़े निगल लिए हैं। हालांकि इससे कांथा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जेल प्रशासन उस पर निगरानी कर रहा है। 3 दिन पहले कांथा ने लोहे के तार निगलने और एक साथ दवा की 50 गोलियां निगलने की जानकारी दी। पहले तो सभी को लगा कि वह नौटंकी कर रहा है, लेकिन कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता था, इसलिए 5 अक्टूबर को उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कांथा ने न्यायालय को भी तार निगलने की जानकारी दी। कोर्ट के आदेश पर उसकी मेडिकल जाँच की गई। तबीयत बिल्कुल ठीक होने के कारण जेल में देखरेख की जा रही थी। न्यायिक हिरासत में होने के कारण कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए शुक्रवार को तगड़ी सुरक्षा के बीच उसे मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष ठेमरे, BCN न्यूज़, नागपुर।